कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आई तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। क्या चाहिए तेरे को? उनका बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जाबे, जाकर मेरे बाप को बोल तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। आज अपुन का बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो? खून की गंध पाकर सारी दल एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। लटका रखा है उसको। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। अरे तूफान को लटकाते नहीं, ये क्या रहा है? मार उसको। तूफान से भागते हैं। वो उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। साला अपन का खून भी तो ला लिया। बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर एक गलियों में दो वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी और खंजर खाली काटता है। बम्बई के तेरे बाप कह के नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। मिराज में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। Salam Rocky Bhai.
इसे इतना भाव दे रहे हो तुम लोग, इससे मार भी खाकर आए हो। तू कहाँ से आया है मुझे नहीं पता। बेंगलोर में विधानसभा कहाँ है, यहाँ का वेदर कैसा है, ये सब जानने से पहले मैं कितना बैड हूँ ये जान लेता। गलती कर दी तूने। एंड नाउ इट्स टू लेट। टू लेट। दम। ए चिरकुट, सामने वाली दुकान पर मेरा नाम लेना, मेरा ससुर तुझे 2 दर्जन चूड़ियां देगा, पहन लेना। कहा रे वो चिंचोली का चूड़ी वाला भाई, आजकल दुकान पे कोई आता नहीं ना, तो वो धंधा मंदा, इसलिए सॉरी भाई। अरे हाँ, दम की बात कौन की अबे? आई लव यू बेबी, ढासू आइडिया था। जो शहर में रहने आता है वो उसके बारे में सीखता है, जो राज करने आता है वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड।